दोस्तों, आज वीवो वी 15 प्रो में आज 3 दिन के अंदर ये दूसरा अपडेट मिला है, जो कि बहुत बड़ा अपडेट तो नहीं है मगर छोटा सा अपडेट है। लेकिन पिछला जो अपडेट आया था उसमें आप लोगों का काफ़ी कमेंट था कि ये फ़ोन हैंग हो रहा है और स्क्रीन फ्रीज हो जा रही है, तो उसमें कुछ हमें लगता है कि बग था, उसको इन्होंने कंसिडर किया है और छोटा सा एक अपडेट दे दिया है। तो आइए देखते हैं कि उस अपडेट में इन्होंने क्या इम्प्रूव। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा घंटे का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इस तरह कमेंट दिया है साथ में, तो सिस्टम अपडेट में जाके देखेंगे। तो इसका अब ये अगर हम देखते हैं, ये यूआई वर्जन जो है 1.25.11 हो गया है, जो कि 60 MB का है, कोई ज़्यादा बड़ा अपडेट तो नहीं है। मगर हाँ, इसमें कुछ हो सकता है कि पिछला जो अपडेट में बग्स थे उसको फिक्स किया इन्होंने। तो ऑप्टिमाइज इसमें साथ में सिस्टम में साथ में दिया है कि ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइज स्टेबिलिटी एंड कॉन्टेंट वर्जन अपग्रेड, और साथ में इन्होंने जो पिछला सिक्योरिटी पैच को भी कंसीडर किया है, और इसमें जो पिछला अपडेट के साथ साथ इन्होंने ऑडियो इम्प्रूवमेंट किया था उसको भी इसमें इम्प्रूव किया। तो हो सकता है कि इस अपडेट के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसके एक बार अपडेट करके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो अब इसको मैंने अपडेट कर लिया है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ इसका यूआई वर्जन क्या है। नीचे अबाउट फोन में जाएंगे, मोर सेटिंग में जाके अबाउट फोन में जाएंगे तो देखेंगे कि आपका जो यूआई वर्जन है, देख सकते हैं आप 1.25.11 हो गया। तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई फोन अपडेट करें या सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो उसको अब डाउनलोड करने के बाद, अपडेट करने के बाद फोन को एक बार रिस्टार्ट करिए, कम से कम 2-3 मिनट के लिए फोन को स्विच ऑफ कर लीजिए। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ज़्यादातर जो स्क्रीन फ्रीज होने की इश्यू है वो सॉल्व हो जाती है। तो मैं समझता हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।